बड़वानी के ग्राम लोनसरा की शासकीय स्कूल में अज्ञात तत्वों द्वारा रात्रि को तोड़फोड़ कर अनेकों वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया गया। आपको बता दें, घटना शनिवार या रविवार रात्रि की बताई जा रही है। सोमवार सुबह कर्मचारियों ने स्कूल का गेट खोला तो उन्हें छत पर लगे पंखे, गमले और अन्य सामान टूटे हुए मिले, तो वहीं स्कूल संबंधित शासकीय रिकॉर्ड भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना शिक्षकों सहित जनप्रतिनिधियों को दी गई। विद्यालय के शिक्षक दिलीप कुमार डोडवे का कहना है कि विद्यालय में बड़ी घटना होने की आशंका बनी ही रहती है। ऐसे असामाजिक तत्वों की जानकारी होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर आज सोमवार बड़वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। योगेश चोयल की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार डोडे, माध्यमिक शिक्षक। सर, क्या घटना हुई स्कूल में? स्कूल में जिस शासन के निर्देशानुसार हमको रेमेडियल क्लास छुट्टी के दिन और रविवार के दिन लगाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो इस संबंध में हमने स्कूल खोलने के लिए, जैसे मुन्ना भाई आया पियून हमारा, तो 9 बजे के आसपास आया वो, तो उन्होंने ये पाया कि अंदर टूट फूट की घटना, उनको अंदेशा हुआ, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया। मैंने साथी शिक्षकों को भी फ़ोन लगाया और हम लोग जब आए 10 बजे के आसपास, तो हमको लगा कि अंदर टूट फूट हो चुकी है, तो हम लोगों ने गांव वालों को बुलाया, पंचनामा बनाया और जब मेन गेट का ताला खोला तो अंदर पाया कि स्टाफ रूम की जो चाबी, स्टाफ रूम में जो चाबियाँ रखी थी, वो गुच्छा लेकर के उसने सभी रूम के ताले खोल लिए और अंदर जितने पंखे थे, लगभग 26 पंखों को नुकसान पहुंचाया और लगभग 12-15 ट्यूबलाइट तोड़ दी। बाकी गमले हैं, इस तरह से रजिस्टर वगैरह है, उपस्थिति रजिस्टर, उनको भी उसने फाड़ दिया। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी क्या? ऐसी घटना पहले इतनी बड़ी नहीं हुई, छोटी छोटी, जैसे घड़ी निकाल ले जाना, ये गमले तोड़ना, इस तरह की पहले हो चुकी है। FIR करवाई क्या थाने? हाँ, ये जो शनिवार रात में जो घटना हुई, इसकी FIR आज हमने करा दी है। तो टीम आ रही क्या? टीम ने बताया है कि हम लोग आके देखते हैं इसको।